हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम जो ड्रेस बनाएंगे अपने गोपाल जी के लिए, उसको हम चार कलर से बनाएंगे। ये देखिए, ये ग्रीन है और ये डार्क ग्रीन, येलो और ये मर्जेंटा। आज हम इन चारों कलर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये ग्रीन कलर ले लेंगे और इससे हम चोली बनाना शुरू करेंगे। और चोली हम 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे, चोली और ड्रेस। तो सबसे पहले चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए देखिए, ये धागा लेंगे और क्रोशिया हुक हमने यहाँ पर देखिए 11 नंबर की ली है। तो देखिए, चोली बनाने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर एक नोट लगा लेते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा टाइट हमें यहाँ पर चेन नहीं बनानी। एक चेन हमने बना ली, 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर टोटल 18 चेन इसकी बनानी है, 18 चेन। और बहुत टाइट हम यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे। ये देखिए, 18 चेन इसकी बनाने के बाद अब यहाँ से इस तरह से इसको हम पकड़ लेते हैं और 3 चेन एक्स्ट्रा बना लेते हैं। 1, 2, 3 इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ से देखिए, इस चेन के अंदर से जहाँ से हमने इसको पकड़ा था, यहाँ से क्रोशिया हुक डालकर इस डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो ये देखिए, जो 3 की चेन है स्टार्टिंग वाली, ये भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। एक हमने बना लिया। अब हर एक चेन के अंदर से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 18 के चेन है, 18 के अंदर हम 18 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक हो जाएगी स्टार्टिंग की 3 की चेन। तो टोटल यहाँ पर 19 डबल क्रोशियास के हो जाएंगे। तो देखिए, पूरी रो हम बना लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट रो इसकी हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टोटल यहाँ पर 19 यानी 19 डबल क्रोशियास में हमने कंप्लीट कर लिए है। अब यहीं से हमें वापस होना है। 1, 2, 3 चेन हमने इसकी बना ली। अब जो स्टार्टिंग की 3 चेन है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर ये बनाई है, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया इसके साथ नहीं बनाएंगे। जो नेक्स्ट चेन है, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, और सेम जगह हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी के साथ। ये देखिए, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम हर एक चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो लास्ट वाली चेन है उसके ऊपर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पर ये सेकंड रो इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए देखिए, यहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई, फिर आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद हर एक चेन में हम 2-2 डबल क्रोशिया के बनाते हैं। ये देखिए, सेकंड रो कंप्लीट होने के बाद हमारे पास इसमें टोटल 36 डबल क्रोशिया हैं, 36। अब यहीं से हम वापस होंगे। 1, 2, 3 चेन बना ली। अब नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके अंदर भी 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए, अब एक हमने 3 की चेन बनाई, 2 डबल क्रोशिया, टोटल हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो ये फोर्थ चेन है, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और इसी के साथ ये दूसरा। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद ये देखिए, 1 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4 और ये 5 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो ये चेन है, इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5।
और जो छठी चेन है इसके अंदर हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए थर्ड राउंड इसका हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए राउंड के हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने ये देखिए दो डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए। अब यहाँ पर हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया एक साथ, एक और ये दो। अब लास्ट में देखिए हमारे पास ये एक चेन है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है ये इसके ऊपर हमें बनाना है। जो थ्री की चेन है इसके लास्ट वाली चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर दो डबल क्रोशिया इसमें हो गए। तो इस तरह से देखिए थर्ड राउंड इसको हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास अब टोटल 42 डबल क्रोशिया हैं, 42 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से इसका फोर्थ राउंड हम बनाते हैं। इसके लिए एक दो तीन, तीन चेन बना ली। अब ये चेन छोड़ देंगे फर्स्ट वाले, सेकंड वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और ये नेक्स्ट चेन में दूसरा डबल क्रोशिया, स्टार्टिंग में थ्री की चेन फिर दो डबल क्रोशिया, तो टोटल यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया हो गए। अब जो फोर्थ वाली चेन है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया एक साथ हो गए। इसके बाद हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, दो तीन चार पाँच। ये देखिए इससे पहले राउंड में हमने पाँच के बाद डबल किया था, अब हम यहाँ पर छः डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद एक चेन में दो डबल क्रोशिया। ये देखिए एक डबल क्रोशिया और इसी के साथ ये दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। छः चेन में छः डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो सातवीं चेन होगी इसमें हम दो डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो राउंड कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। इसके बाद ये देखिए लास्ट में हमारे पास ही तीन डबल क्रोशिया होंगे, एक दो और यहाँ पर ये तीसरा। ये देखिए स्टार्टिंग में भी तीन डबल क्रोशिया हैं और यहाँ पर लास्ट में भी और स्टार्टिंग में भी तीन डबल क्रोशिया थे। अब हमारे पास यहाँ पर ये देखिए फोर्थ राउंड हमने कंप्लीट किया है, टोटल 48 डबल क्रोशिया हो गए हैं, छः डबल क्रोशिया हमने इसमें इंक्रीज़ किए हैं। तो ये देखिए अब इसको हम बाजू और आगे पीछे के पार्ट में अलग करेंगे। 48 डबल क्रोशिया है, ये देखिए कैसे करना है, एक दो तीन, तीन चेन बना ली। अब ये वाली चेन छोड़ देंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए दो डबल क्रोशिया हो गए, तीसरा डबल क्रोशिया, चार पाँच छः और ये सात। यहाँ पर हमने सात डबल क्रोशिया बना लिए, एक, एक तो थ्री की चेन थी, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब देखिए यहाँ पर इसकी बाजू है जो इसके फंदे, सॉरी ये जो चेन है स्किप करेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और जो ग्यारहवीं चेन है, ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्यारहवीं चेन है इसमें इलेवेंथ चेन में, यहाँ से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दस चेन हमने यहाँ पर स्किप कर दी बाजू के लिए। अभी बैक वाले जो डबल क्रोशिया हैं उनको बना लेंगे। एक तो बना लिया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह
13 और ये 14 डबल क्रोशिया हमने बैक साइड के बना लिए। अब देखिए दूसरी बाजू बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो 11th चेन है देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 5 6 और ये 7। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी बाजू अलग कर दी है, ये देखिए, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब इसका एक राउंड हम और बना लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 चार राउंड के बाद हमने इसमें बाजू बनाई है, तो 5 राउंड इसके हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक राउंड और बना लेते हैं यहीं से, 1 2 ये देखिए 3 चेन बनाने के बाद इस चेन को छोड़ देंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया, हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 6th राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा, हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए 6 राउंड इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब घेरे के लिए एक राउंड कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम इसको ज्वाइंट करेंगे, अभी इसको यहाँ पर नहीं करेंगे ज्वाइंट। तो सबसे पहले हम यहीं से वापस होंगे, 1 2 3 तीन चेन बना ली, और जो इसी के साथ वाली चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो इसी के साथ ये 2 डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट चेन है उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, अब हर एक चेन के अंदर हम 2-2 डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे यहाँ पर घेरे के राउंड के लिए। ये देखिए हर एक चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाकर राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। जब हमने चोली बनाई और बाजू अलग करने के बाद लास्ट में हमारे पास टोटल 28 डबल क्रोशिया थे, 28 डबल क्रोशिया, और 28 में हमने 2-2 डबल क्रोशिया किए, तो अब हमारे पास टोटल इसमें 56 यानी 56 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो अब घेरे को हम ज्वाइंट कर लेंगे, ये देखिए यहाँ से जो स्टार्टिंग की 3 की चेन है इसकी लास्ट वाली चेन से हम इस तरह हुक डालेंगे और यहाँ से हम इस तरह से चेन निकालेंगे और राउंड को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम इस तरह से एक चेन बना लेंगे, तो साइड में हमें धागा लेकर आना है स्लिप स्टिच से, थोड़ा सा लूज ही रखें, टाइट हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच नहीं रखना है, नहीं तो ये घेरा टाइट हो जाएगा इस तरह से। अगर आप यहाँ पर नहीं लाना चाहते तो यहीं से आप घेरा बनाना शुरू कर सकते हैं, इसको आप बैक साइड में फ्रंट में कहीं भी रख सकते हैं, चोली को बैक ओपन भी रख सकते हैं फ्रंट ओपन भी। तो देखिए अब यहीं से हम इसको बना लेते हैं, चेन से यहाँ पर लेकर आ गए, 1 2 3 तीन चेन हमने बना ली, टोटल हमारे पास 56 डबल क्रोशिया है। अगर हम इनको डिवाइड करें तो हमारे पास 14 कलियां इसमें बनती है, 14 14 4 56, तो हमारी एक कली में 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर आएंगे। तो ये देखिए एक हमने ये चेन बना ली, यानी एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, 2 और ये 3, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब जो ये चौथा डबल क्रोशिया है 4th डबल क्रोशिया, इसको हम इस तरह से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ये देखिए ये जो ये डबल क्रोशिया है इसके नीचे से हुक डालेंगे और यहाँ से हम ये देखिए लूप निकालेंगे और इसको हमें इस तरह से आराम से थोड़ा सा लूज कर लेना है ताकि इसकी हाइट का ये आ जाए, नहीं तो यहाँ से खींचा खींचा रहेगा, और इसको इस तरह से बना लेंगे। ये हमने फ्रंट पोस्ट बना लिया। अब देखिए इस चेन के अंदर
एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया हो गए। अब जो ये चौथा डबल क्रोशिया है, फोर्थ वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ से हम धागा निकालेंगे और यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये इसका घेरे के लिए ये सेकंड राउंड है। फिर देखिए एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और जो ये चौथा डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये वाला, यहाँ से इस तरह हुक डालेंगे और देखिए इसको इसकी हाइट तक लाना है और यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। हर चौथे डबल क्रोशिया को, फोर्थ वाले डबल क्रोशिया को हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस तरह राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट में हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर तीन डबल क्रोशिया और ये देखिए लास्ट वाला हम फ्रंट पोस्ट यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। और इसके बाद राउंड को यहाँ पर हम फिनिश करेंगे। ये देखिए यहाँ से हुक डालकर इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया। तो सेकंड राउंड हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके पास एक या दो चेन कोई कम या ज़्यादा रह गई हो तो आप उसे यहीं पर एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हर कली में इसकी, हर राउंड में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा हर एक कली में। जैसे हमने यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया बनाए, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर तीन डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, अब यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनेंगे और उसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट बनेगा। एक दो तीन, तीन चेन हमने बना ली। अब यहाँ पर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये देखिए एक थ्री की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया, दो हो गए, तीन डबल क्रोशिया और ये चार डबल क्रोशिया। और जो पांचवा डबल क्रोशिया है वो देखिए फ्रंट पोस्ट बनेगा इसके ऊपर, जो फ्रंट पोस्ट हमने पहले बनाया था ठीक उसी के ऊपर इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ से हम लूप निकालेंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट बन गया। अब देखिए पहले तीन डबल क्रोशिया थे, अब यहाँ पर हम चार बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से एक दो तीन और ये चार। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे एक एक कली में एक एक डबल क्रोशिया तो यहाँ पर घेरा सिकुड़ जाएगा। तो अब ये फ्रंट पोस्ट आ गया, तो यहाँ से देखिए हुक डालेंगे और फ्रंट पोस्ट हम बना लेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन और ये चार, और पांच बार जो है डबल क्रोशिया उसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। तो ये थर्ड राउंड इसका हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड के बाद हम फोर्थ बनाएंगे, तो थोड़ा सा घेरा हम बना लेते हैं इसी तरह से। हर एक कली में हमें एक एक डबल क्रोशिया इसका बढ़ाते जाना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, तो इसको बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। देखिए इसको हमने इतना कम्प्लीट कर लिया है, इसमें दिखाते हैं हमने कितने राउंड कम्प्लीट किए हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात राउंड इसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये धागा इसका कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम येलो धागा लगाएंगे। ये देखिए इस धागे को हमने कट कर दिया। अब यहाँ से हम इसमें येलो धागा ज्वाइंट कर लेंगे। एक चेन बना लेंगे, देखिए इस तरह से इसको टाइट खींच देंगे। एक चेन हो गई, दो तीन, तीन चेन हो गई यहाँ पर। अब जो आगे वाली चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो ये धागे हैं दोनों हम इनको भी दबा लेंगे। देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ पर हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। फ्रंट पोस्ट यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे, ये इसका आठवां राउंड है, इसमें हम फ्रंट पोस्ट नहीं बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से, और जो डबल क्रोशिया है वो इसमें हमें यहाँ पर बढ़ाना है, नहीं तो हमारा घेरा जो है ऊपर से जाके सिकुड़ जाएगा। ये धागे हमने देखिए यहाँ पर इसके दबा लिए।
ये देखिए यहाँ तक इसको हमने बना लिया। अब जो ये फ्रंट पोस्ट वाला क्रोशिया है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस चेन के अंदर हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम जगह। ये देखिए यहाँ में दो डबल क्रोशिया हमने बना लिए, बाकी सब चेन में एक एक बनाना है। जो फ्रंट पोस्ट वाली चेन है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो ये राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। ये इसका आठवां राउंड है। देखिए एक बार और दिखाते हैं आपको किस तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट आ गया ये वाला। तो इस चेन के अंदर हम दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, एक हो गया और सेम जगह ये दूसरा। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए इतना इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका आठवां राउंड है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये घेरा बनकर तैयार है। देखिए आप इसको सिंपल तरीके से इस तरह भी बना लीजिए तो भी ये बहुत ही प्यारा सा लगेगा। ये देखिए तो यहाँ पर हम ये राउंड इसका देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से जॉइंट कर लेंगे इसको यहाँ पर, देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सेवन चेन। ये देखिए एक चेन हो गई, दो तीन चार पाँच छः सात, सात चेन हमने बना ली। अभी देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन स्किप करेंगे और जो सेवन्थ चेन है, इसकी सातवीं चेन है, यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बहुत टाइट हमें सिंगल क्रोशिया यहाँ पर नहीं बनाना। एक हो गया, फिर नेक्स्ट चेन में दो, फिर नेक्स्ट चेन में तीन, हमने तीन सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। अब फिर से सात चेन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये चेन हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनानी। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और सातवीं चेन में सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, दो तीन, तीन सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए। फिर सात चेन बनाएंगे, फिर तीन सिंगल क्रोशिया। इस तरह से राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गए हैं। अब लास्ट में हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारी चेन यहाँ पर थोड़ी सी कम है। तो देखिए हमने छः चेन छोड़नी थी लेकिन हम यहाँ पर पाँच ही छोड़ लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और जो छठी चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन। ये देखिए एक चेन हमने यहाँ पर छोड़ ली। अब यहाँ पर सात चेन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार, चार चेन हम यहाँ पर देखिए छोड़ लेंगे और पांचवी चेन में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया में बना लेंगे, एक दो, ये देखिए और एक यहीं पर इसी के साथ तीन। थोड़ा सा एडजस्ट हमें करना पड़ेगा। तो ये देखिए राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक दो चेन कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर लीजिए। तो ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद दिखाते हैं। देखिए यहाँ तक आ गए हैं, ये तीन हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए यहाँ से इस तरह से लूप उठाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया राउंड को। अब देखिए एक दो तीन, तीन चेन हमने बना ली, यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक ये भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगा, टोटल हमें सात डबल क्रोशिया यहाँ पर बनानी है। दो हो गए, तीन चार पाँच छः और ये सात, देखिए सात डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पर बनाएंगे दो चेन, एक दो, फिर इस तरह से धागा लेंगे। ये देखिए फिर से हम यहाँ पर सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन
चार, पाँच, छः और ये सात। ये देखिए यहाँ पर सात डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर सात डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए अब हमें यहाँ पर ये जो क्या करना है, तीन हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, ये देखिए तीन सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। जो सेंटर वाला सिंगल क्रोशिया है, देखिए सेंटर वाला, तो ठीक इसके जो नीचे वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ से हम हुक डालेंगे और देखिए इस तरह से लूप उठाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ऐसे धागा लेंगे और यहाँ पर हम सात डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। सात डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए। फिर बनाएंगे दो चेन और दो चेन बनाने के बाद फिर से हम सात बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। सात डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये तीन सिंगल क्रोशिया आ गए। जो सेंटर वाला सिंगल क्रोशिया, देखिए सेंटर वाला, तो ठीक इसके जो नीचे वाला डबल क्रोशिया, यहाँ से हम लूप उठाएंगे इस तरह और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए पूरा राउंड हमें इसी तरह से बनाना है और ये देखने में कुछ इस टाइप का देखिए दिखेगा। ये देखिए धागा इसका हमने कट कर दिया है और इसको हम देखिए धागे को यहाँ से, ये देखिए जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ से लेके ये देखिए पीछे की साइड हम इस तरह से इसको सेट कर देंगे यहाँ पर नोट लगाते हुए, और फिर जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा इसको हम कट कर देंगे। देखिए अच्छे से हमें नोट लगा देनी है ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए अब इसमें हम ग्रीन धागा लगाएंगे, ये वाला ही धागा लेंगे हम अभी तो। और ये देखिए यहाँ से जहाँ पर हमने ये इसको जॉइंट किया है, और जो हमारे पास देखिए तीन सिंगल क्रोशिया थे, हमने यहाँ पर ये तीन जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे, जो सेंटर वाला सिंगल क्रोशिया, देखिए यहाँ से हुक डालेंगे और धागा हम लगाएंगे इस तरह से। धागा सबसे पहले हम देखिए इसको इस तरह से घुमाते हुए नोट लगा लेंगे यहाँ पर और ऐसे इसको जॉइंट करेंगे। अब इसके बाद देखिए एक, दो, तीन, तीन चेन तो हम ये बनानी है हमें डबल क्रोशिया के हाइट की। इसके बाद हम पांच चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। फिर इस तरह से धागा लेंगे और यहीं पर सेम जगह यहाँ पर ही देखिए डबल क्रोशिया हम बना देंगे। तो देखिए इसका ये कुछ इस टाइप का होगा। इसके बाद हम चार चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। अब हमारे पास जो ये देखिए दो चेन हमने बनाई थी, यहाँ से हुक डालना है और यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करना है। फिर से चार चेन, एक, दो, तीन, चार। चार चेन हमने यहाँ पर बना ली, इस तरह से धागा लिया। अब देखिए हमारे पास जो ये यहाँ पर हमने तीन सिंगल क्रोशिया बनाए थे पहले, तो देखिए जो सेंटर वाला सिंगल क्रोशिया है, यहाँ से हमें हुक डालना है और इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद पांच चेन, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर इस तरह से धागा और सेम जगह हम यहीं पर ही डबल क्रोशिया बना देंगे एक और।
तो देखिए इस तरह से दिखाई देगा। फिर चार चेन, एक दो तीन चार, और फिर देखिए यहाँ से हुक डालना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करना है। फिर चार चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे जो तीन हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके सेंटर में। तो देखिए ये इस टाइप का दिखाई देगा, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं राउंड को, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए राउंड हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में फिर हमने चार चेन बना ली और यहाँ से देखिए जो स्टार्टिंग की है, एक दो तीन, जो थर्ड वाली चेन है इसके साथ इसको हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये धागा इसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए धागा इसका कट कर दिया और इस धागे को हम टाइट खींच देंगे, तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम ये डार्क ग्रीन कलर लेंगे, ये वाला, अब हम इस धागे से वर्क करेंगे। देखिए यहाँ से हम इस धागे को ज्वाइंट कर लेंगे, इस तरह से एक नोट लगा देंगे यहाँ पर, ये देखिए। अब यहाँ पर हम सात चेन बनाएंगे, आठ चेन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से ये धागा भी दबा देंगे और देखिए इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे, एक दो तीन, तीन चेन हमने यहाँ पर बना ली। अब यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो तीन, और ये देखिए धागा हमने यहाँ पर साथ ही दबा दिया है इसके, चार और ये पाँच, पाँच हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। अभी क्रोशिया हुक निकालेंगे और ये देखिए यहाँ से ये हुक डालेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक दो, दो चेन हमने बना ली। ये देखिए दो चेन बना ली, एक चेन हम यहाँ पर और बना लेंगे, तीन चेन हो गई। अब यहाँ पर इसको हम ज्वाइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से, स्लिप स्टिच से, सॉरी। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर ये बन गया। अब यहाँ पर हम फिर से तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और चार हम बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिया, एक दो तीन और ये चार। एक तो ये तीन की चेन हो गई, चार हमने डबल क्रोशिया बनाए, देखिए एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ से हुक डालेंगे और उसको इस तरह से निकाल लेंगे, तो देखिए इस टाइप से दिखाई देगा कुछ। अब यहाँ पर हम आठ चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चेन हमने यहाँ पर बना ली। अब इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पर ये देखिए जो ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार और ये पाँच, पाँच डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, देखिए यहाँ से हुक डालकर इसको इस तरह से निकाल लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना ली और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पर एक दो तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, तीन तो ये चेन होगी, ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। एक डबल क्रोशिया, दो तीन और ये चार, एक थ्री की चेन और चार डबल क्रोशिया। तो यहाँ से हुक डालेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे,
तो देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। फिर से हम आठ चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और इस तरह से धागा लेकर यहाँ पर हम इसको फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है, अब इसको यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए जो ये चेन है यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे, और एक चेन बनाने के बाद इसका धागा हम कट कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हम मर्जेंटा धागा लेंगे, और यहाँ से हम देखिए धागा इसमें लगाएंगे। सबसे पहले इस तरह से एक नोट यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरह से, ये देखिए, और एक चेन बना ली, दो तीन, तीन चेन हमने यहाँ पर बना ली। अब बनाएंगे चार डबल क्रोशिया, और डबल क्रोशिया में थोड़ी सी चार चेन बनाएंगे, थोड़ी सी हाइट के बनाने हैं, लंबी, ज़्यादा छोटे हमें यहाँ पर नहीं बनाने। एक ही चार की चेन होगी, एक ही डबल क्रोशिया हो गया, दो तीन ये देखिए, एक तो हमने बनाई स्टार्टिंग में थ्री की चेन, उसके बाद हमने चार डबल क्रोशिया बना लिए, टोटल हमारे पास पांच हो गए। अब इस धागे को निकालेंगे हुक को, और यहाँ से देखिए इस तरह से इसको बनाएंगे। ये देखिए इसके बाद हम एक दो तीन चार पाँच, पांच चेन बना लेंगे, और सेम यहीं पर हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशिया हो गया, दो तीन चार, और ये पांच, पांच डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ से देखिए इस तरह से इसको लूप को निकालेंगे यहाँ से, ये देखिए। इसके बाद एक दो तीन चार पांच, पांच चेन हमने यहाँ पर बना ली। अब देखिए यहाँ से जो हमने स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट किया था, तो यहाँ से देखिए इस तरह से हुक डालना है, और ये दोनों जो चेन है यहाँ से हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। फिर हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पांच हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, थोड़ी सी हमें इनकी हाइट बढ़ानी होगी, ये देखिए ज़्यादा हमें कम हाइट के नहीं चाहिए। एक दो तीन चार, और ये पांच, और यहाँ से इसको हम निकाल देंगे। फिर हम पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और पांच चेन बनाने के बाद फिर यहाँ से इस तरह से पांच हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, और ये पांच। फिर पांच चेन, एक दो तीन चार पांच, और देखिए यहां से इसको सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइंट कर देंगे। तो ये पूरा राउंड हम इसी तरह से बना लेते हैं।
ये देखिए राउंड इसका हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में भी हम चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और देखिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग की हमने 3 की चेन ली थी, इसके यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन बनाकर धागा इसका हम कट कर देते हैं। ये देखिए अब इसमें हम यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हम धागा लगाएंगे इसमें इस तरह से। सबसे पहले एक नोट लगा लेते हैं यहाँ पर, एक चेन बना लेंगे। ये देखिए एक चेन हमने बना ली, 2, 3 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 7 डबल क्रोशिया बना लिए और एक थी ये 3 की चेन, तो टोटल यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए ये क्रोशिया हुक यहाँ से हम इस तरह से डालेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हमें इसके ऊपर 8 चेन बनानी है, सॉरी 8 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 तो हमने चेन बनाई और इसके बाद 7 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए, एक ही 3 की चेन हो गई, टोटल 8 हो गए। अब यहाँ से देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे, यहाँ से लूप निकालेंगे और इस तरह सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें 8 बार डबल क्रोशिया बना ली हैं, तो सबसे पहले 3 की चेन बनाएंगे और 7 बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो टोटल 8 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 1 की 3 की चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो 2 चेन हमने बनाई थी यहाँ पर इस तरह से इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हमें बनाना है। फिर यहाँ से हम धागा इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले इस तरह से इसको जॉइंट कर देंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसके बाद 7 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये देखिए इसी तरह से राउंड हमें कंप्लीट करना है और ये इसका लास्ट राउंड है। देखिए यहाँ पर आ गए, 3 चेन बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे यहाँ पर हम 7 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो ये 2 की चेन है यहाँ से इसको हम सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे।
तो ये देखिए पूरा राउंड हमें इसी तरह से बनाना है और ये फ्लोवर जैसा इस टाइप से बन जाएगा। तो इसको बना लेते हैं फिर दिखाएंगे। ये देखिए राउंड इसका हमने कंप्लीट कर लिया है और ये धागा भी इसका यहाँ पर कट कर दिया है। ये देखिए अब यहाँ से ये देखिए जो शुरू की थ्री की चेन है यहाँ से हम ये लूप निकालेंगे इस तरह से, ये देखिए, और राउंड को यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे एक चेन बनाकर। ये देखिए इस तरह से, और इसके बाद ये देखिए ये जो धागा है इसको हम यहाँ से निकालेंगे पीछे की साइड को। देखिए यहाँ से निकाल लेना है इसको। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर एक नोट लगा देंगे अच्छे से ताकि ये खुले नहीं। ये देखिए राउंड इसका हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही प्यारी ये ड्रेस बनी है और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। ये देखिए घेरा इसका काफ़ी अच्छा बड़ा बना है। अब इसके हम चोली की आउटलाइन बना लेते हैं। ये देखिए आउटलाइन बनाने के लिए हम ये मर्जेंटा कलर लेंगे और यहाँ से हम इसको धागे को कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से एक नोट लगाते हुए, ये देखिए, और यहाँ से दो चेन हम बनाएंगे। ये देखिए दो चेन बना लिए, फिर इस तरह से धागा लेंगे और यहीं पर हम एक हाफ डबल क्रोशिया इसमें बना देंगे। ये देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए जो ये डबल क्रोशिया है किनारे वाला हमारे पास, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर हमें दो दो हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हो गया दो, फिर इस तरह से धागा लेंगे। अब देखिए ये डबल क्रोशिया आ गया एक, और इसके ऊपर भी दो 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 हाफ डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पर एक जो किनारे वाला है इस पर हमें चार बनाने हैं, दो बना लिए। फिर हम बनाएंगे दो चेन और उसके बाद दो हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक और ये दो। देखिए इस तरह से, अब ये नेक वाला पोर्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने दो हाफ डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद एक छोड़ देंगे और आगे वाली चेन में देखिए दो हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक छोड़ देंगे। अब इसके अंदर से दो हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इसको हमें बना लेना है, ये देखिए ये इसकी किनारी है। जब हम यहाँ पर आएंगे दूसरी साइड तो हम यहाँ पर भी इसी तरह बनाएंगे, दो हाफ डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया एक साथ ही। तो देखिए इस तरह से बन जाएगी। तो इसको बना लेते हैं। देखिए ड्रेस हमने कंप्लीट कर ली है, डोरी भी इसमें लगा दी है, आउटलाइन इसकी बना ली है। बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बनकर आई है। आप लोग देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेस है और किसी भी साइज में आप इसको बना सकते हो। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाएं, कमेंट करके बताएं कि हमारी बनाई ड्रेस आपको कैसी लगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैचिंग हैट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। राधे राधे।